तो भाई एक लंबे वक्त के बाद मैं आपके सामने बाल और दाढ़ी कटा के बैठा हूँ। सच वैसे असल में ये है कि मैंने बाल और दाढ़ी इसलिए नहीं कटाई कि मैं वीडियो में अच्छा दिख सकूँ। भाई देखो, मैं चिप्स लेने घर से बाहर जा रहा था और पापा ने तभी कहा कि अगर अब घर में आना है तो बाल और दाढ़ी सेट करके आना, वरना ना आना। बस मैंने भी कह दिया ठीक है पापा, सॉरी, कटवा के आ रहा हूँ। ये बताओ तुम्हें किस तरह का हेयर कट चाहिए? हीरो जैसा हेयर कट। ये कौन सा हेयर कट है? अब तुम लोग मेरे को वीडियो सेक्शन में बताना कि आखिर अब मैं लग कैसा रहा हूँ। खैर, तुम्हें मैं कैसा भी लग रहा हूँ, लेकिन फिलहाल भाई बहुत से इंडियन क्रिकेट फैंस को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होगा कि भारत न्यूजीलैंड से पहला टेस्ट मैच हार गई है। पर भाई देखो, मैं तुमको एक बहुत ही बढ़िया बात बता रहा हूँ जिसे सुनने के बाद तुमको खुशी शायद हो या ना हो, लेकिन तसल्ली बहुत मिलेगी। देखो भाई, अगर तुम ये सोच के दुखी हो कि भारत न्यूजीलैंड से पहला टेस्ट मैच हार गई, कहीं ऐसा ना हो कि भारत न्यूजीलैंड से सीरीज ही हार जाए, तो भाई मैं बताना चाहूंगा कि रोहित शर्मा की कप्तानी में भारत ने किसी टेस्ट सीरीज का पहला मैच टोटल 7 बार खेला है और 7 मैचेस में से 3 मैचों में इंडिया को हार का सामना करना पड़ा है। लेकिन अगर पहले टेस्ट मैच के बाद की बात करें तो रोहित शर्मा की कप्तानी में हमने जितनी भी टेस्ट सीरीज खेली हैं, अगर उन सभी टेस्ट सीरीज का पहला मैच छोड़ दें तो टोटल 11 मैचेस खेले, जो रिमेनिंग मैचेस होते हैं सीरीज के, वो टोटल हमने 11 मैचेस खेले हैं और रोहित शर्मा की कैप्टनसी में उन 11 मैचों में मात्र 1 मैच हम हारे हैं। तो पहला मैच यानी हम रोहित शर्मा की कैप्टनसी में अक्सर टेस्ट सीरीज में हार जाते हैं, लेकिन उसके बाद हमेशा कमबैक करते हैं, तो चिंता मत करो, यहां भी कमबैक होगा भाई। वैसे रोहित शर्मा से याद आया कि कल के दिन वुमेन्स टी20 वर्ल्ड कप के अंदर न्यूजीलैंड की टीम ने पहली बार टी20 वर्ल्ड कप को अपने नाम करा। अगर तुम सोच रहे हो कि रोहित शर्मा से मेरे को ये क्यों याद आया कि न्यूजीलैंड टी20 वर्ल्ड कप जीत गई, तो भाई याद असल में इसलिए आया क्योंकि टी20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद जिस तरीके से न्यूजीलैंड टीम के प्लेयर सेलिब्रेट कर रहे थे, वो सेम टू सेम हर उस मूव को कॉपी करने की कोशिश कर रहे थे जो हमें रोहित शर्मा की तरफ से देखने को मिला था टी20 वर्ल्ड कप 2024 जीतने के बाद। जो विनिंग टीम के कैप्टन होते हैं वो जब ट्रॉफी कलेक्ट करने के लिए आते हैं तो सेम टू सेम उस मूव को कॉपी करने की कोशिश करते हैं जो रोहित शर्मा ने टी20 वर्ल्ड कप 2024 में ट्रॉफी कलेक्ट करने के दौरान किया था। यानी आसान भाषा में मैं बस ये कहना चाहता हूं कि कुछ लोग होते हैं जो ट्रेंड को फॉलो करते हैं, लेकिन अपने रोहित भाई हैं जो कि ट्रेंड सेट करते हैं। देखो यार, ये बात तो किसी से नहीं छुपी है कि कल के दिन जो वुमेन्स टी20 वर्ल्ड कप का फाइनल खेला जा रहा था साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड के बीच, ये एक ऐसा फाइनल था कि भाई कोई भी इंडियन तो ये बिल्कुल डिसाइड नहीं कर पा रहा था कि न्यूजीलैंड को जिताएं या साउथ अफ्रीका को जिताएं, क्योंकि ये दोनों ही ऐसी टीमें हैं जो भाई बिल्कुल भी आईसीसी टूर्नामेंट नहीं जीतती हैं, करीब पहुंचती हैं और जीतना डिजर्व भी करती हैं, लेकिन अंत में जाके कुछ ना कुछ कांड हो जाता है। तो कल के दिन दोनों ही ऐसी टीमें थी कि चाह रहा था दिल की भाई दोनों ही जीत जाए, लेकिन भाई इन दोनों में भी एक टीम ऐसी थी जिसको कुछ ज्यादा ही मजा आता है चोक करने में, चाहे फिर वो मेंस क्रिकेट हो चाहे फिर वुमेन्स क्रिकेट हो। हाँ, मैं बात कर रहा हूं साउथ अफ्रीका की। कल के दिन एक बार फिर से फाइनल में साउथ अफ्रीका को हार का सामना करना पड़ा और भाई मैं बताना चाहूंगा कि साउथ अफ्रीका की जो मेंस क्रिकेट टीम है या फिर जो वुमेन्स क्रिकेट टीम है, इन दोनों ने ही मिलकर जो भाई पिछले 3 T20 वर्ल्ड कप खेले हैं ना भाई, तुमको इन 3 T20 वर्ल्ड कप की दास्ता सुन के कसम से रोना आ जाएगा। साल 2023 में जो वुमेन्स टी20 वर्ल्ड कप हुआ था, वहां साउथ अफ्रीका फाइनल में जाके हारी। हाल ही में इंडिया के खिलाफ जब साउथ अफ्रीका की मेंस टीम फाइनल में पहुंची तो वहां भी भाई एक जीता हुआ मैच, किस तरीके साउथ अफ्रीका हारी हम सबको पता है। और कल के दिन वापस से 2024 टी20 वर्ल्ड कप में जहां फिर से साउथ अफ्रीका की वुमेन्स टीम फाइनल में पहुंची, लेकिन भाई वो ट्रॉफी हाथ ना आई। अब देखो भाई, साउथ अफ्रीका के हाथ तो टी20 वर्ल्ड कप नहीं आई, लेकिन फिलहाल भाई लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा है कि इंडिया ने गौतम गंभीर को हेड कोच बना के कोई गलती तो नहीं करी है। क्या गौतम गंभीर सिर्फ आईपीएल में ही एक सक्सेसफुल कैप्टन या फिर सक्सेसफुल कोच हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि बीसीसीआई ने गौतम गंभीर को हेड कोच का रोल देके थोड़ी सी जल्दबाजी कर दी? कहीं ऐसा तो नहीं कि गौती भाई सिर्फ आईपीएल में अच्छी कप्तानी और अच्छी कोचिंग करते थे, लेकिन जब बात आई इंटरनेशनल क्रिकेट की तो वहां पे मामला उतना जमा नहीं? क्या गौतम गंभीर इस रोल के लायक नहीं है? देखो भाई, इस सवाल का जवाब फिलहाल देना सही भी नहीं होगा और मेरी इतनी औकात भी नहीं है कि मैं डायरेक्ट इस सवाल का जवाब दे सकूं, लेकिन यहां पे कुछ फैक्ट्स जरूर हैं जो मैं चाहूंगा कि तुम जरूर जानो। मैं बताना चाहूंगा कि गौतम गंभीर के हेड कोच बनने के बाद 27 साल बाद ऐसा हुआ कि इंडिया श्रीलंका से बायलेटरल ओडीआई सीरीज हारी। पहली बार गौतम गंभीर के कोच बनने के बाद ऐसा हुआ कि इंडिया एक 3 मैच की ओडीआई सीरीज में 30 विकेट खो के आई थी, यानी 3 मैच की ओडीआई
सीरीज में हर मैच में इंडियन टीम ऑल आउट होके आई थी। ऐसा पहली बार हुआ है इंडियन क्रिकेट के इतिहास में, और ये हुआ भी तो किसकी कोचिंग के अंडर? गौतम गंभीर की कोचिंग के अंडर। मैं बताना चाहूंगा, जब से गौतम गंभीर कोच बने हैं भाई 45 साल के बाद ऐसा पहली बार हुआ कि इंडिया ओडीआई में कैलेंडर ईयर के अंदर एक भी मैच नहीं जीती। जी हां, साल 2024 में इंडिया जो है एक भी ओडीआई मैच नहीं जीती। इससे पहले ऐसा 45 साल पहले हुआ था कि एक साल में कोई भी ओडीआई मैच इंडिया ना जीती हो, और 45 साल बाद अब जब हो रहा है तो कोच कौन है? गौतम गंभीर। गौतम गंभीर के कोच बनने के बाद पूरे 36 साल बाद ऐसा हुआ कि इंडिया अपने घर पे न्यूजीलैंड के हाथों टेस्ट मैच हारी। पूरे 19 साल बाद ऐसा हुआ कि इंडिया चिन्नास्वामी स्टेडियम में कोई टेस्ट मैच हारी। पूरे 12 साल बाद ऐसा हुआ कि इंडिया एक ही साल के अंदर अपने घर पे दो दो टेस्ट मैच हारी। वैसे इन दो टेस्ट मैचों की हार में से एक हार राहुल द्रविड़ की कोचिंग के अंडर आई थी और दूसरी हार गौती भाई की कोचिंग के अंडर आई है। लेकिन ये जो रिकॉर्ड है ये आएगा गौती भाई के नाम। और साथ ही साथ मैं ये भी बता दूं कि भाई जब से गौती भाई कोच बने हैं पहली बार इंडियन क्रिकेट के इतिहास में ऐसा हुआ कि इंडिया अपने घर पे एक इनिंग के अंदर 50 से कम में आउट हुई। ऐसा पहले इंडिया के साथ इतिहास में कभी नहीं हुआ था, और अब जब पहली बार हुआ तो कोच कौन है? नन अदर देन गौतम गंभीर। मैं यहाँ पे कोई फैसला नहीं देना चाहता हूँ, कुछ फैक्ट्स थे जो मैं आपको बताना चाहता था। अब आपका इन फैक्ट्स के बारे में और गौतम गंभीर की कोचिंग के बारे में क्या सोचना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। खैर, तुम लोग गौतम गंभीर के बारे में जो भी सोचो, लेकिन विराट कोहली ने पूरे तरीके से सोच लिया है कि चाहे वो कोई भी मैच खेले और उस मैच का रिजल्ट चाहे जो भी हो, चाहे हारे या चाहे जीते, लेकिन अंत में भगवान की शरण में जरूर जाना है। कल के दिन भैया मैच हारने के बाद विराट कोहली सीधे पहुंच गए मुंबई, और मुंबई में जाके उनकी एक वीडियो सामने आती है जहां वो कृष्णा दास के कीर्तन इवेंट में अपनी धर्म पत्नी अनुष्का शर्मा के साथ पहुंचे हुए थे। और इस वीडियो को देखने के बाद हर कोई बोला, कोहली भाई कसम से मैच में तो दिल जीतते ही जीतते हो, लेकिन मैच के बाहर भी आजकल दिल जीत रहे हो। अच्छा लगा कि पहला टेस्ट मैच खत्म होने के बाद कोहली भाई सीधे लंदन नहीं गए। खैर, जाते भी कैसे, क्योंकि अभी दो टेस्ट मैच बाकी हैं, थोड़ा सा गैप अगर ज्यादा होता तो क्या पता चले भी जाते हैं। खैर, आप लोगों का ये स्पिरिचुअल वाले विराट कोहली के बारे में क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। एंड सबसे इंपॉर्टेंट सवाल जो मैंने पूछा गौतम गंभीर को लेके, आपकी ऑनेस्ट राय क्या है इस बारे में भाई, दिल से कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ। बाकी वीडियो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।